हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एमसीक्यू का वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है एमसीक्यू का, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जगह हम लोग सेमीकंडक्टर का एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, जो भी सेमी स्टार्ट होगा हमारा वीडियो। और आज के हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्टार रेडिएट एनर्जी एट द रेट ऑफ 5 × 10^20 जूल्स पर सेकेंड, वट इज द रेट एट विच इट्स मास इज डिक्रीजिंग। और ऑप्शन हैं आपके सामने, फर्स्ट है 5.54 × 10^9 केजी पर सेकेंड, 4.44 × 10^9 केजी पर सेकेंड, 3.44 × 10^9 केजी पर सेकेंड, 2.44 × 10^9 केजी पर सेकेंड। और टाइम स्टार्ट हो रहा है आपका। और इस तरीके का क्वेश्चन मेरे ख्याल से अभी लास्ट जो वीडियोज थी उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन एक था। तो ये वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको रेट दिया है एनर्जी का डिक्रीज होने में, तो इक्वल टू mc² का ये क्वेश्चन है आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन का। और इसमें रेट दिया है यानी डेल ई दिया है, और रेट पूछा है मास का तो डेल एम पूछा है, तो डेल एम आपका हो जाएगा डेल ई अपॉन c². और ई की वैल्यू आपको गिवन है, सी आपको पता ही होता है 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, वैल्यूज पुट करिएगा और इसका आंसर आपका आ जाएगा 5.54 × 10^9 के जी पर सेकेंड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, 0.41 MeV, 0.51 MeV, 0.61 MeV, 0.71 MeV। और टाइम स्टार्ट हो गया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन या ये वैल्यू हमने कई बार कैलकुलेट की है क्वांटम मैकेनिक्स में भी और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में भी, तो ये आपको याद ही होनी चाहिए। सभी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और कैसे कैलकुलेट किया, रेस्ट मास एनर्जी कैलकुलेट करनी है ई नॉट, और वो होती है एम नॉट c². एम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के केस में आपको पता ही होता है 9.1 × 10^-31 के जी। सी की वैल्यू भी आपको पता होती है 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, पुट करिए जूल में आ जाएगा और उसको फिर MeV में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम का केस है इस 13.6 eV, द लॉस ऑफ मास इन द फॉर्मेशन ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इस ऑप्शन से आपके 2.42 × 10^-35 के जी, 3.34 × 10^-35 kg, 4.5 × 10^-35 kg, 5.19 × 10^-35 kg। टाइम स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ई गिवन है 13.6 eV, तो जूल में इसको लिख सकते हैं 13.6 × 1.6 × 10^-19। ई दिया है, मास पूछा है, इक्वल टू mc² से ही हम जो है एम कैलकुलेट कर लेंगे या डेल एम कैलकुलेट कर लेंगे, ई अपॉन c², वैल्यूज पुट करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 2.42 × 10^-35 के जी। और अगर आपको यहाँ पे यही आ रहा है, एग्जैक्ट यही आ रहा है 2.4 × 10^-35 के जी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर आपके सामने है, विच फिनोमिना इज शोन इन दिस फिगर, इस फिगर में कौन सा फिनोमिना है, पेयर प्रोडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर एनिहिलेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है दोनों कंबाइंड हो रहे हैं और गामा रे बन रहा है, तो सबको पता है कि ये पेयर एनिहिलेशन का केस है। ठीक है, तो फिगर में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एनिहिलेट कर रहे हैं ईच अदर से और रिलीज कर रहे हैं इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर एनिहिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी 10^-17 जूल, ई गिवन है, मोमेंटम पूछा है, ए ऑप्शन है 1.11 × 10^-26 के जी मीटर पर सेकेंड, 2.22 × 10^-26 के जी मीटर पर सेकेंड, 3.33 × 10^-26 के जी मीटर पर सेकेंड, 4.44 × 10^-26 के जी मीटर पर सेकेंड। टाइम स्टार्ट हो गया है।
तो अब जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी लग रहे होंगे क्योंकि अब हमने सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लिए हैं, सारे फॉर्मूले रिवाइज हो चुके हैं पीछे की प्रीवियस एमसीक्यूज में, तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। तो ई इक्वल टू मोमेंटम के केस में पी सी होता है, तो पी इक्वल टू ई बाय सी हो जाएगा। क्वेश्चन में ई गिवन है 10^-17, सी आपको पता ही होता है 3×10^8 m/s। वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, रखिएगा, आंसर आ जाएगा 3.33×10^-26 kg/s। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोएस्ट पॉसिबल मास ऑफ अ पार्टिकल इज इट्स रिलेटिविस्टिक मास, इनर्शियल मास, ग्रेविटेशनल मास एंड रेस्ट मास। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये बहुत आसान है और ये इसका आंसर सब लोग देने वाले हैं कि जो लोएस्ट मास है किसी भी पार्टिकल का वो कौन सा मास होता है जब वो पार्टिकल रेस्ट में होता है। तो पॉसिबल लोएस्ट मास ऑफ अ पार्टिकल इज अ रेस्ट मास, तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल मास, रिलेटिविस्टिक मास, इनर्शियल मास एंड जीरो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये भी मैं करा चुकी हूँ कि फोटोन किस वेलोसिटी से मूव करता है, v इक्वल टू c से, और वेरिएशन ऑफ मास में m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² / c² रखेंगे और m नॉट कैलकुलेट करेंगे वो जीरो आएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है और ये सबने सही किया होगा। ये हमने कई बार डिस्कस किया है कि फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है, इसको मासलेस पार्टिकल भी हम बोलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। विच बेसिक लॉ इज यूज्ड फॉर डेरिवेशन ऑफ मास वेरिएशन विद वेलोसिटी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वेरिएशन ऑफ मास में कौन सा कंसेप्ट यूज होके हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएशन ऑफ मास का एक्सप्रेशन? अगर आपने ये ध्यान से किया है डेरिवेशन इसका तो आपको पता होगा वहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मास यूज मोमेंटम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द वेरिएशन ऑफ मास का एक्सप्रेशन। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंज बाय 180 डिग्री साइमल्टेनियसली, द मास वुड चेंज साइमल्टेनियसली, नो नॉट चेंज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो वेरिएशन ऑफ मास का क्वेश्चन है तो पहले वो लिख लेते हैं। एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² / c² v 180 डायरेक्शन डायमेंशन में चेंज हो गया है तो v की जगह माइनस v हो जाएगा। अगर पहले v इस डायरेक्शन में था तो v अब इस डायरेक्शन में हो गया तो 180 का चेंज हो रहा है तो v इक्वल टू माइनस v। इस एक्सप्रेशन में अगर हम रखते हैं तो हम देखते हैं m पे कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि v स्क्वायर में है। तो इसका जो ऑप्शन है वो b ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉट चेंज। चेंज डायरेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता मास के लिए, जो रिलेटिविस्टिक मास ऑब्जर्व मास होगा वो जैसा पहले केस में आ रहा था इस डायरेक्शन में वी में, वो अपोजिट डायरेक्शन वी में भी सेम वैसा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इज अ लिमिटिंग वेलोसिटी अनअटेनेबल बाय द मटेरियल बॉडी, ट्रू और फॉल्स? ऑप्शन दे दिए हैं, मिल गए हैं, टाइम स्टार्ट हो गया है और मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन आप सभी सही कर रहे होंगे। आप इसको चाहे लेंथ कॉन्ट्रेक्शन से बता सकते हैं, चाहे क्वेश्चन को आप टाइम डायलेशन से बता सकते हैं और इसी क्वेश्चन को आप वेरिएशन ऑफ मास से भी बता सकते हैं। किसी भी उसमें आप v की जगह c या ग्रेटर देन c रख के देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को अटेन नहीं कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट को अटेन नहीं कर सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल वेरिएशन ऑफ मास में बता देती हूँ कि अगर v की जगह आप c रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इमेजिनरी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी ऑब्जेक्ट का मास इनफाइनाइट होना या इमेजिनरी होना। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज अनअटेनेबल बाय मटेरियल बॉडी ओनली दोज विद जीरो रेस्ट मास। सिर्फ कौन अटेंड कर सकते हैं? जिसका रेस्ट मास जीरो हो, और वो क्या है? फोटोन। तो फोटोन ही सिर्फ वेलोसिटी ऑफ लाइट को अटेन कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द करेक्ट
वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी एक्सप्रेशन। तो इनमें चार ग्राफ हैं आपके सामने ए बी सी, और इसमें से आपको ये बताना है कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है या कौन सा करेक्ट ग्राफ है वेरिएशन ऑफ मास के लिए। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है और आपके पास एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो ये है एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यानी कि रेस्ट मास होगा कुछ, फिर उससे धीरे धीरे जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो ये नहीं हो सकता, यहाँ तो मास जीरो ही है, यहाँ कांस्टेंट है मास, तो ये भी नहीं हो सकता है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है ये भी नहीं हो सकता है। तो ये सी जो है सही ऑप्शन है वेरिएशन ऑफ मास के लिए, तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन है एट व्हाट स्पीड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी डबल इट्स वैल्यू एट रेस्ट, रूट टू सी, सी बाय रूट टू, रूट थ्री सी बाय टू एंड टू सी बाय रूट थ्री। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो क्वेश्चन तो आपको पता लग गया वेरिएशन ऑफ मास का है, एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, और क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि एम जो है ट्वाइस ऑफ एम नॉट हो जाता है, तो एम की जगह आप ट्वाइस ऑफ एम नॉट रखेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा रूट थ्री बाय सी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर वन बाय टू। रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर वन बाय फोर ये लेफ्ट में ले आएंगे, तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस वन बाय फोर जो कि थ्री बाय फोर हो जाएगा, और फिर आप इसका रूट लेंगे तो ये रूट थ्री बाय फोर सी हो जाएगा जो कि टू हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन हूज वेट इज 60 केजी ऑन अ अर्थ 61 केजी ऑन अ रॉकेट मेजर बाय एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ व्हाट स्पीड ऑफ द रॉकेट। सेम पीछे जैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे बस वैल्यूज दे दी है मास की, और ऑप्शन है 2.5 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2.5 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड, 5.5 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड एंड 5.5 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और आपने ये कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया होगा क्वेश्चन। यहाँ पर m नॉट 60 के जी है और m 61 के जी है, वैल्यूज रखिए और आंसर मैच कर लीजिए। और मुझे पता है आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा इसका आंसर, और इसका ऑप्शन सही है 5.5 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड। चलिए तो अब हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचने जा रहे हैं। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ रेस्ट मास 6 के जी। तो रेस्ट मास 6 के जी दिया है, वेलोसिटी 0.8 सी, इट इफेक्टिव मास 6 के जी, 8 के जी, 10 के जी, 12 के जी। टाइम स्टार्ट ना हो, तो ये तो आपको पता है कि वेलोसिटी दिया है और रेस्ट मास दिया है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता इफेक्टिव मास और रेस्ट मास, रेस्ट मास के बाद इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि मास इंक्रीज होके मिलता है। ये एक्सप्रेशन यूज करना है 6 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.8 सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर 64, 6 पॉइंट सिक्स पॉइंट ये 36 आएगा 0.36, और इसका रूट ले लेंगे तो 6 अपॉन 0.6 और ये आपका 10 के जी ऑप्शन है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बॉडी इज इनिशियली, ये लास्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी रिलेटिविस्टिक का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का ही नहीं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के लिए भी इस सीरीज में ये लास्ट क्वेश्चन है। बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट इज एक्सप्लॉयड इनटू टू मासेस ऑब्जेक्ट 1 केजी एंड 2 केजी विद अ स्पीड ऑफ 0.6 टाइम्स ऑफ अ स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट वुड द मास ऑफ ओरिजिनल बॉडी एट रेस्ट 2 kg, 2.5 kg, 3.5 kg and 3.75 kg। टाइम स्टार्ट्स हो गया है, और ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पीछे भी एक वीडियो में कराया है। तो यहाँ पे E नॉट इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला यूज होना है, जो कि जब बॉडी टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, m1 c1 स्क्वेयर
और गामा एम टू सी स्क्वेयर, और गामा की वैल्यू होती है अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर प्लस एम टू सी स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। एम वन आपको दिया है, एम टू आपको दिया है और वी दिया है 0.6 टाइम ऑफ सी। वैल्यूज पुट करेंगे और सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर सारे कैंसिल हो जाएंगे तो एम नॉट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3.75 केजी। तो वीडियो के लास्ट में पहुंच गए हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का ये वीडियो एमसीक्यू का हम एंड कर रहे हैं और सेमीकंडक्टर का वीडियोस देखिएगा, बाकी जो पैरेलल में सीरीज चल रही हैं उनका वीडियोस देखिएगा और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में शेयर भी करिए। थैंक यू।